begin with, I will say that yes, I think this is our sixth year performing with Country Club. Yay! So, and we are really, really excited. Not only for performing, but I think जब हम छोटे थे, हम लोग New Year में हमेशा सोचते थे कि क्या करें? तो कहीं चले जाए, कहीं पार्टी करने चले जाए, वहाँ पे क्राउड कैसी होगी पता नहीं, तो अक्सर अलाउ नहीं करते थे या मम्मी पापा भी सोचते थे क्या करेंगे बाहर जाके, तो इससे अच्छा है घर पे बैठ के टीवी देखते हैं. तो टीवी देखना ही मतलब एक एक्शन होता था न्यू ईयर पे, घर पे बैठ के टीवी देखो, ढेरों अवार्ड फंक्शंस मतलब बहुत कुछ होता है टीवी में. तो आफ्टर आई मीन फॉर द लास्ट आई मीन सिंस कंट्री क्लब हैज़ कम, दे हैव गिवन अस अ प्रॉपर एड्रेस. हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं कि न्यू ईयर में कहाँ पे क्या चल रहा है. वी नो एवरी ईयर दैट देयर्स अ न्यू ईयर बैश हैपनिंग इन कंट्री क्लब. एंड द बेस्ट पार्ट दैट आई हैव नोटिस्ड इन द लास्ट सिक्स ईयर्स इज दैट देयर आर लोड्स ऑफ फैमिलीज. सो यू आर नॉट थिंकिंग कि पता नहीं कैसे क्राउड होंगे, हम लोग वहाँ जा सकते हैं कि नहीं, लड़कियाँ वहाँ आ सकती हैं कि नहीं, वी कैन गो देयर और एन्जॉय और नॉट. जितना लोग वहाँ पे आके एंजॉय करते हैं और लोग एंजॉय करते बोल के हमें वहाँ परफॉर्म करके बहुत मज़ा आता है, क्योंकि इट्स अ वेरी फैमिली एटमोसफियर. पीपल आर सेलिब्रेटिंग टुगेदर, मम्मी पापा भाई बहन सब सब लोग साथ में पहुँच जाते, दोस्त तो होती है, यंग पीपल तो डेफिनेटली उन लोगों को बोलने की जरूरत नहीं, नाउ दे नो एन एड्रेस वेयर दे कैन गो एंड एंजॉय. ऐसा होता है कि जब देबिना बोल देती है और फिर सभी कुछ बोल दिया होता है, क्योंकि हम लोग का इमोशन ऑलमोस्ट एक ही है, इतने सालों से साथ में रह रहे हैं. हाँ, देबिना ने आधी बात तो बोल दी है, लेकिन फिर भी मेरे पास बहुत अच्छी बात है. एक्चुअली एक छोटी सी कहानी है इस कंट्री क्लब के पीछे. सबसे पहले कंट्री क्लब आई थिंक मुंबई में यहाँ पे इसी जगह पे हुआ था, और हमारा करियर स्टार्ट होने से पहले हम इसी के पीछे एक बिल्डिंग है, अभी बहुत पुरानी हो गई है, उसमें मैं और देबिना ने हम डेट ही करते थे और वहीं पे अक्सर मिलते थे. और तब जब कंट्री क्लब स्टार्ट हुआ था तो मुझे याद है कि इतना बज होता था कि क्लब ऐसा कुछ आ रहा है कंट्री क्लब का. और यू नो तब तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि अच्छा क्लब में ज्वाइन करेंगे, हमारा जिम भी हो जाए तो वो एक बहुत बड़ी बात होती थी. और हमारा सपना होता था कि यार कंट्री क्लब में जब थोड़े पैसे आ जाएंगे तो हम कंट्री क्लब ज्वाइन करेंगे. और आज देखिए, कहते हैं जब आप सपना सोचते हो और दिल से सोचते हो पूरा हो जाता है. पिछले 6 साल से हम लोग यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं कंट्री क्लब में. आई थिंक ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हम दोनों के लिए कि एक जो सपना था कि यार कभी ज्वाइन करेंगे से लेके आज हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई थिंक ये सपना ज़रूर पूरा होता है. और रही कंट्री क्लब की बात, राजीव की बात, तो हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, फैमिली जैसे हैं. और हम जब भी मैं और देबिना कभी भी कुछ इंडोर्स करते हैं, हमेशा हमें लगता है कि जो भी चीज़ दिल से किया जाता है वो ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है. तो हमारे साथ यह दिल का रिश्ता है. सिर्फ परफॉर्मेंस तो ज़रूर मज़ा आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि एज एन एक्टर जब 31st नया नई शुरुआत जो करते हैं, जब काम से करते हो, परफॉर्म करते हो लोगों के सामने, वो एक मूड सेट कर देता है. और आई थिंक कंट्री क्लब से अच्छा कुछ हो नहीं सकता. इनफैक्ट इस बार अभी राजीव ने मुझे बताया कि जो ऑडियंस लाइव ऑडियंस होती है वो तो देखती है, लेकिन बहुत सारे जो हमारे फैंस हैं या कंट्री क्लब के और भी बहुत लोग हैं जो घर से निकल नहीं पाते या फैमिली के साथ रहना पसंद करते हैं या और भी जो लोग हैं वो हमें लाइव देख सकते हैं. इस बार वो लाइव जा रहे हैं वेन्यू से. और प्लस डीजे की बात है, वो इस बार जो भी अच्छा डीजे होगा, आई मीन जो सिलेक्ट होगा, वो परफॉर्म करेगा लाइव इतने ऑडियंस के सामने. आई थिंक ये एक चीज़ बहुत ही बड़ी बात है. एंड प्लस राजीव से तो मैं इतना कुछ सीखता हूँ. आई मीन ये मैं हमेशा सोचता था कि मैं बहुत हार्ड वर्क करता हूँ, सुबह उठ जाता हूँ, जिमनास्टिक करता हूँ, एक्शन करता हूँ, नरेशन, मीटिंग, शूटिंग, ये सब कुछ चलता रहता है. लेकिन राजीव आई मीन वो मुझसे इनका जब मैं पोस्ट देखता हूँ, वो जिम कर रहे होते हैं, ऑफिस में होते हैं, ही इज ऑलवेज एक्टिव. तो मैंने इनसे आज ही मैंने पूछा कि ये राज क्या है आप, बोले मैं काम करना पसंद करता हूँ. आई थिंक हम सभी को इनसे ये सीखना चाहिए कि काम करते रहना बहुत ज़रूरी है. हम बहुत बार अक्सर ऐसा होता है कि व्हेन यू क्रॉस 60 या 50 आप रिटायर हो जाते हो, घर पे बैठ जाते हो, लेकिन काम करते रहने से आई थिंक आप हमेशा एक्टिव रहते हो. आई थिंक राजीव इतना कुछ सिखाते जब भी इनसे मैं मिलता हूँ. आई थिंक बड़ा मज़ा आया वापस 31st में परफॉर्म करने का. इनकी ताली बज गई, शायद मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ. या वेल एक्चुअली मैं बहुत लकी मानता हूँ. एक्चुअली जब हम मैं बॉम्बे आया था तब हम 20 या 25 दोस्त थे जो एक्टर बनने आए थे, और धीरे धीरे करके सब जाने लगे, वापस काम नहीं हो रहा था और मैं वापस भी जा नहीं सकता था, क्योंकि कुछ और सोचा ही नहीं. बचपन से हमेशा एक्टर बनने का ही सोचा था, दूसरा कुछ प्लान भी था ही नहीं.
यू नो, और धीरे धीरे सारे दोस्त जो क्लोज दोस्त थे जिनके साथ हम यहाँ पे शुरुआत हमने की थी वो सब धीरे धीरे चले गए, तो बहुत बुरा भी लगता था। और जैसे जैसे दोस्त जाते थे मैं बहुत रोता भी था, बहुत ही इमोशनल हूँ क्योंकि किसी का सपना पूरा नहीं हो रहा है, यू नो। लेकिन एक जो चीज़ मेरे पास थी वो थी मेरा हार्डवर्क, बड़ी मेहनत की, उसमें कभी कंजूसी या उसमें कभी कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं किया, हमेशा हार्डवर्क करता रहा। और मुझे लगा कि क्योंकि फौजी का लड़का हूँ तो डैड से हमेशा सीखा है कि जब आप मेहनत करते हो तो लक भी आपके साथ हो जाता है। तो बहुत मेहनत के बाद, और कहते हैं कि लक तब और ज़्यादा अच्छा हो जाता है जब ज़िंदगी में एक अच्छी लड़की मिल जाती है। तो देबिना इनिशियली जब 19-20 साल का था तभी देबिना मुझे मिली और मेरी पहली गर्लफ्रेंड थी, उससे पहले कभी गर्लफ्रेंड थी नहीं और बहुत शर्मीला था, तो बड़ी मुश्किल से इसको इनको पटाया मैंने। और कहते हैं जब इनका हाथ आया तो एक्चुअली लक और ज़्यादा हो गया और दोनों ने हमें प्लानिंग की और हम दोनों साथ में ही ऑडिशन के लिए जाते थे और यू नो हर चीज़ साथ में होती थी। तब ऐसा भी होता था कि आपके पास पैसे नहीं होते थे, आप बहुत कुछ सोच नहीं सकते थे, जैसे आपको मैंने कहानी बताई कंट्री क्लब के बारे में। तो सपना बहुत बड़ा था, लेकिन वो सपना सिर्फ सपने तक नहीं था, हमने बहुत मेहनत की है। हम दोनों के पास एक छोटा सा बैग होता था, उस बैग में एक बैग में हमारे दोनों के कपड़े होते थे, उसके बाद धीरे धीरे एक बैग से दो बैग, फ्रिज, एसी, हर चीज़ हमारे सामने हुआ, भी घर हुआ, हर चीज़, यू नो। तो आई थिंक जब पुरानी चीज़ें सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि यू नो अच्छा लगता है। आज भी जब मैं पहली बार आया था कुलाबा में डैड का आर्मी क्वार्टर्स थे, तो आज भी मैं देबिना को लेके जाता हूँ उस गलियों में, वहाँ पे जहाँ पे जब कुछ भी नहीं था, पैदल घूमता था, BST बस होती थी, बस पकड़ के ट्रेन पकड़ के यू नो पैसे कैलकुलेट करके रखते थे। और अच्छा लगता है जब भी वहाँ से जाते हैं तो तब मुझे याद लगता है कि यार अभी आज भी हमें ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है। आपको आप किसी भी मुकाम में पहुंच जाओ, अगर आप अच्छे इंसान हो तो काम भी होता है और आप और अच्छे मन से काम कर सकते हो। देबिना कहीं ना कहीं गुरमीत ये कहना चाह रहे हैं यू आर द वन हु गॉट हिम लक, यू नो, क्या कहना चाहेंगे, हाउ एंड हाउ प्राउड यू फील, हाउ इमोशनल यू गेट व्हेन यू नो ही इज अप्रिशिएटिंग कि जब आप आए तब जिंदगी में सुधार हो गए। ओह माय गॉड, आई हैव द मिडास टच, ये तो है एक आंसर बस, मेरी बीवी एक ही बार बोलती है, सबका आंसर मिल गया। Actually, a girl can make or break anything, and I think I made it. I just मैं एक support system जैसी थी, in fact support system मुझे लगता है कि हर एक में होती है वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा, उसको बस विश्वास दिलाने की ज़रूरत पड़ती है, हाँ तुम कर सकते हो, भले ही वक्त लग रहा है लेकिन हो जाएगा। एंड मुझे लगता है कि आज बहुत बार ये इस चीज़ की जिक्र हुई, इनफैक्ट राजीव जी जब ऊपर खड़े थे हम लोग बालकनी से पार्क को देख रहे थे पीछे वाले, दोनों ने अलग अलग चीज़ें बोली। पीछे उस बिल्डिंग में हम लोग रहते थे एक्चुअली, पीछे जो क्या नाम है चिंतन बिल्डिंग है उधर, और वहाँ से हम लोग ये देखते थे, और राजीव जी ने बोला कि मैं कभी बिलीव ही नहीं कर सकता कि यहाँ पे इतना बड़ा प्रॉपर्टी लेके मैं आज खड़ा हूँ। ये एक हैदराबाद का कंपनी था, यहाँ पे बॉम्बे जैसे शहर में आके मैंने एस्टैब्लिश किया, इट इज़ अनबिलीवेबल। बट देन द थिंग इज़ दैट इफ़ यू ड्रीम यू कैन, एंड उसके लिए एक बार सोच लाना ज़रूरी है, उसके बाद उसको उसके ऊपर मेहनत करते रहना ज़रूरी है और हो जाता है। आई थिंक इट्स अ अमलगमेशन ऑफ अ लॉट ऑफ बिलीव। ये कितनी अच्छी बात है, इस बार आप मुंबई में परफॉर्म कर रहे हैं और कुछ गाने रेडिफाई करें कि इस पे परफॉर्म करेंगे जो आपने किया, सो गुड। आई थिंक इस बार एक गाना तो जरूर मैंने पहले ही बोल दिया है, बाला तो मतलब मुझे चाहिए, मैं लड़ लूंगा सबसे। इनफैक्ट हमारे जो डांसर हैं उसको मैंने बोला हुआ कि बाला कुछ रिमिक्स करते हैं, और एक्चुअली ऐसा पहली बार हुआ क्योंकि अक्षय सर का फैन हूँ, उनको हमेशा माना है, ये एक चैलेंज मैं कैसे मेरे से रह गया, और जब तक मैंने सोचा तब तक इतने लोगों ने कर दिया था, तो अब जब सब लोग थक गए हैं मैं एक्चुअली न्यू ईयर पे 31st पे बाला करने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं कौन से गाने में, मैं तो बहुत सारे गानों में परफॉर्म करने वाली हूँ, और एक सरप्राइज गाना भी है जो मुझे पता है, वो गाना तुमको तो पता ही है। अच्छा, ओके, मतलब गुरमीत का एक गाना रिलीज होने जा रहा है। नहीं, अभी इस बारे में बात नहीं कर सकते, इस बारे में हम बात नहीं करेंगे, पर आप लोग ये बीबी कर सकती है, अभी मेरे पीआरओ का फोन आ जाएगा, ये ऐसे कैसे हो गया। हाँ तो ठीक है, उसी बारे में आप लोगों को कल से पता चल जाएगा, तो खैर कोई नहीं, तो उस गाने में भी जरूर हम परफॉर्म करेंगे। ओके, गुरु भाई एंड देबिना जी सामने आपके, अरुण मेरी जान, जोरदार ताली अरुण के लिए, ये मेरा भाई है, मेरी जान है, बोल यार। थैंक यू।
मुझे डेबिना जी आपसे भी, मुझे ये पता है कि न्यू ईयर के परफॉर्मेंस के बाद आप लोग एक लंबी सी छुट्टी पर जाते हैं, सो इस बार ऐसी कुछ प्लानिंग की आप लोगों ने एंड लाइक वो लोकेशन आप लोगों ने चूज किया कौन सी कहाँ जाने वाले हैं? हाँ एक्चुअली हम लोग अरुण ने बहुत अच्छी बात पकड़ी है, बहुत सही चीज़ बोला। हम जब भी राजीव न्यू ईयर करते हैं कदम परफॉर्म होता है, क्योंकि एक्टर को बड़ा अच्छा लगता है पहला न्यू ईयर पे आप काम करते हो परफॉर्म करते हो, उसके बाद हम छुट्टी पे जाते हैं। एक्चुअली कल ही रात को मैं देवना के बीच में लड़ाई हुई है, ये कुछ और ही बोल रही है, मैं कुछ और बोल रहा हूँ, अभी समझ नहीं आ रहा कि हमें जाना कहाँ है, लेकिन ज़रूर छुट्टी पे कहीं पे परफॉर्म करने के बाद निकल जाएंगे। अच्छा राजीव आप हमें बता दो, आप ही हमारी लड़ाई सॉल्व कर दो, ये कुछ और बोल रही है मैं कुछ और बोल रहा हूँ, कोई एक जगह पे हमें जाना है, अलग तो अलग तो जा नहीं सकते। आपको तो हॉलीडेज के बारे में बहुत आइडिया है। Yeah, you can visit wild life properties, Bandipur Country Club. That is very important. देखो इन्होंने एक बार में सॉल्व कर दिया। I mean, to me that was one of the best destinations of Country Club. Today, I mean, a lot of people from around the world are visiting those places. And wildlife is something fantastic, and you know, the need to preserve the wild. This project was inaugurated by Renuka Chaudhary ji when she was the forest minister, and then I had personally been to all the best wildlife resorts in Africa, and I've gone to global standards, and today you find a lot of foreigners, a lot of people who visit the place, and you know, if anybody asks me what is your favorite destination, I'll say Bandipur, because I mean there your phones also don't work, and whenever I go there I feel very happy, because when the network is not there your mind is only, you know, totally free, and then that's the place I would definitely recommend. Sir, आपने मतलब बहुत ही सही चीज़ बोली है, अब ये डन हो गया, जाना पड़ेगा वाइल्ड लाइफ। देविना जी आप भी एग्री करती है लाइक सर ने जो बातें कही कि हाँ उस लोकेशन पर? मुझे तो वाइल्ड लाइफ बहुत पसंद है, मुझसे भी ज़्यादा एक्चुअली गुरमीत को पसंद है, पर मैं ऐसे कुछ कर चुकी हूँ, गुरमीत ने नहीं किया, इसीलिए मुझे लगता है उन्होंने एक दम पे एग्री हो गए। वाइल्ड लाइफ एक्चुअली घर पे ही, एक्चुअली देविना को मैं जंगली बिल्ली बोलता हूँ तो अभी और दूसरी बिल्ली को नहीं देख सकते, लेकिन वाइल्ड लाइफ में तो वहाँ पे जाकर शेर नहीं देखो। सारा डांस परफॉर्मेंस देखो, मुझे लगता है कि इससे पहले टेलीविजन में बचपन से देखा हुआ था कि 31st के दिन कोई ना कोई अवार्ड फंक्शन आता था टीवी पे, और डांस परफॉर्मेंस देखते हुए ही हम लोग न्यू ईयर को वेलकम करते थे। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ रिवाज आई थिंक इन इंडिया कि आप घर पे भी बैठे हो तो आप टीवी पे बैठ के स्टार्स के डांस परफॉर्मेंस देखो और न्यू ईयर को वेलकम करो। टीवी पे काउंटडाउन शुरू होता है 4, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 हैप्पी न्यू ईयर, और घर पे सबको हैप्पी न्यू ईयर विश करते। बट पिछले 6 सालों से हम लोग लाइव खुद परफॉर्म करते हैं और लोगों के साथ न्यू ईयर को वेलकम करते हैं, और जैसे आपने कहा उसके बाद बहुत खूबसूरत सा न्यू ईयर होता है, हमारा भी उनका भी, और हम तो चले जाते हैं घूमने के लिए, तो कुछ सालों से यही रिवाज है। बट देन हाँ, न्यू ईयर विदाउट सीइंग अ डांस परफॉर्मेंस इज डेफिनेटली नॉट अ ब्यूटीफुल न्यू ईयर इवेंट।